हाय फ्रेंड्स, आंखें हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट अंग है। आंखों की गुड हेल्थ और डाइट के बारे में मैं आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और आजकल आई फ्लू काफी ज्यादा फैल रहा है, इससे कैसे बचा जाए और आई फ्लू को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आई साइट को इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, आज इस टॉपिक के ऊपर पहले चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। आई साइट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको अपनी डाइट में सुधार करना पड़ेगा। एंड हमें अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट फूड जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ जिंक रिच डाइट भी लेनी चाहिए। इसके की नेचुरल स्रोत हैं कि गाजर, पालक, खट्टे फल, नट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन हमें अपनी डाइट में जरूर करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें आंखों की अच्छी हेल्थ के लिए यूवी एवो रे से बचाव रखना चाहिए। जैसे कि इस यूवी एवो रे से बचाव के लिए हमें सनग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे सनग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि 100% हमारी आंखों को यूवी एवो रे से प्रोटेक्शन देते हैं। तीसरा, आपको स्क्रीन टाइम को कम करना है। टीवी या मोबाइल का टाइम लिमिट में ही इस्तेमाल करें। बच्चे जो हैं वो 2 से 3 घंटे टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल करें। जिन लोगों की जॉब है वो 8 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा वो मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें। इसके बिना आप 20-20-20 का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन के आगे से नजर हटा लेनी है और 20 सेकंड के लिए आपको 20 फुट की किसी चीज पर नजर टिकानी है। ऐसा करने से हमारी आंखों की स्ट्रेस कम हो जाती है। चौथे नंबर पे आपको प्रॉपर लाइट वाले कमरे में ही स्टडी करनी है, लाइट डायरेक्ट आपके फेस पर ना पड़े। बच्चे स्टडी के लिए टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। स्टडी करने से पहले 1 गिलास पानी का इस्तेमाल जरूर करें, इससे माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ती है। आंवले का इस्तेमाल भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल को डाइट में ऐड करना चाहिए। मॉर्निंग उठकर ताजे पानी के छींटे आंखों के लिए बहुत ही हितकारी है। आई साइट इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको आगे मैं कुछ रेमेडीज बताने जा रहा हूं। आप इसका इस्तेमाल करके अपनी आंखों की नजर को सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये करें कि सौंफ, बादाम और अखरोट को बराबर मात्रा में ले लें और इसको पीस कर इसका चूर्ण बना लें। और इसका 1 चम्मच आपको 1 गिलास दूध के साथ रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है। इसका लगातार सेवन करने से आपकी नजर में सुधार होगा। दूसरा, आप रोज वाटर को आंखों पे रुई में से भिगो कर भी रख सकते हैं। रोज वाटर को डाइल्यूट करके आप आंखों में डाल भी सकते हैं। गुलाब जल अगर थोड़ा ठंडा हो तो आपको प्लेजेंट एहसास देगा। पहली बार अगर आप रोज वाटर डिल्यूट करके आंखों में डाल रहे हैं तो सबसे पहले एलर्जी टेस्ट कर लें। ताजे पानी की पट्टियां को भी आंखों की सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों की अच्छी हेल्थ के लिए आपको बार बार आंखों को मलने की अगर आदत है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अगर कभी भी आपकी आंखों में डस्ट पड़ जाए तो आप आंखों को मले नहीं, बिना डस्ट निकलवाए कोई भी आई ड्रॉप आंखों में ना डालें। कोई भी आई ड्रॉप को खुल जाने के 1 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। खुला आई ड्रॉप 1 महीने के बाद दोबारा इस्तेमाल ना करें। आई ड्रॉप की टिप को कभी भी अपने हाथों से ना छुएं। तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डार्क सर्कल होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादा रेस्टलेस रहना, चोट लगना, टीवी मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, या खून की कमी, या स्ट्रेस लेना, या बैलेंस डाइट ना लेना। तो आपको अपने डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट खानी चाहिए और तनाव नहीं लेना चाहिए। टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए और आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। आगे वीडियो में मैं आपको आई फ्लू के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बरसात के मौसम में आई फ्लू बहुत तेजी से फैलता है। आई फ्लू होने पे हमको बार बार आंखों को टच नहीं करना है, सनग्लास पहने आंखों को रगड़े नहीं, इन्फेक्शन होने पे एंटीबायोटिक जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आंखों में सूजन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट्स का सेवन कर सकते हैं।
आंखों को डाइल्यूट रोज वाटर या सलाइन वाटर से धो सकते हैं। आंखों में आई खुश्की के लिए लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों की अच्छी हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट लें, विटामिन ए रिच फूड खाएं, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, चलते समय आप मोबाइल या बुक रीडिंग ना करें, खाने में सौंफ का सेवन बढ़ा दें, साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप जरूर कराएं, अगर ब्लड शुगर है तो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को डाइट में ऐड कर लें, सदा तंदुरुस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।